दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, अगर आप लोग के पास स्किल्स हैं यानी एक जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीजें जरूरत की होती हैं, जो चीजें आप लोग को पढ़नी चाहिए एक जॉब पाने के लिए, वो सारी चीजें अगर आप लोगों ने पढ़ ली हैं, वो सारी स्किल्स गेन कर ली हैं, तो कैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से पोर्टल हैं, उनमें से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक ऐसा पोर्टल जहां पे आप लोग जॉब्स के लिए बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हो और वहां पे जॉब पाना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप लोग वहां पे इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जब मैं कॉलेज में था तो मोस्टली मैं वहीं से इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करता था और वहां से मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उसी प्लेटफॉर्म के बारे में आज की वीडियो है। इसमें कंप्लीट आप लोग को रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूं, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करूंगा, कैसे आप लोग को वहां पे प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, कैसे वहां पे जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए आप लोग को, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोज बनाता हूँ, लाइक फ्री ऑनलाइन कोर्सेस, इंटर्नशिप्स, जॉब्स। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलने वाली हैं जो आप लोग के करियर गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगी। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप लोग के पास स्किल्स नहीं है और आप लोग स्किल्स गेन करना चाहते हो, चीजें सीखना चाहते हो, तो आप लोग क्राया डॉट डू को चेक कर सकते हो। दोस्तों क्राया डॉट डू पे एक मास्टर्स प्रोग्राम है क्यूए ऑटोमेशन टेस्टिंग का, जहां पे आप लोग को प्लेसमेंट की गारंटी मिलती है 5 से 20 लाख तक की। इसमें आप लोग को स्कॉलरशिप भी मिलती है और ये काइंड ऑफ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है। 93% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं यहाँ पे विद इन 8 मंथ्स ऑफ ग्रेजुएशन। यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट है, एवरेज सीटीसी है, वो भी बहुत ही अच्छा है। एवरेज सीटीसी 11 एलपीए का है। यहाँ पे आपको गाइडेड प्रोजेक्ट्स करने होते हैं जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इनका करिकुलम है बहुत ही स्ट्रांग है। इंट्रोडक्टरी वीक होता है जो कि फ्री ट्रायल है, आपको उस समय कोई भी फी नहीं देना होता है। प्रोग्रामिंग के इसेंशियल्स, डेवलपर इसेंशियल्स, टेस्टिंग इसेंशियल्स, देन आपको वेब ऑटोमेशन के रिलेटेड जो भी नॉलेज, जो भी स्किल्स हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है और आपको रेफरल प्रोवाइड की जाती है ताकि आपको गारंटी के साथ यहाँ पे प्लेसमेंट मिल सके। अगर हम फी के बारे में बात करें दोस्तों, तो 9,499 रुपये पर मंथ यहाँ पे फी है। यहाँ पे पहला वीक बिल्कुल फ्री होता है और साथ में ही दोस्तों यहाँ पे आपको गारंटीड प्लेसमेंट मिलता है, यानी सीटीसी 15 एलपीए से अधिक है तो आपको जो रिमेनिंग फी है वो 59,999 हो जाता है। यहाँ पे अप्लाई करना बहुत ही आसान है। एप्लीकेशन को कंप्लीट करो, लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में। फ्री ट्रायल को चूज करो, उसके बाद आप स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, मास्टर्स प्रोग्राम में इनरोल करो और आप यहाँ पे पढ़ाई करो और आपको जॉब मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है दोस्तों, इसको जरूर से सेलेक्ट करना। लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्राइड और डू के QA ऑटोमेशन टेस्टिंग में जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं angel.co। एंजल लिस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप लोग जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बहुत ही खास बात बताऊं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग को, तो ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही एक्टिव, यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे हायर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो आप कोई भी एप्लीकेशन में जब अप्लाई करते हो तो उसका रिस्पांस बहुत ही जल्दी आ जाता है। अगर आप सेलेक्ट हुए हो, नहीं हुए हो, जो भी यहाँ पे आउटकम है वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां पे मैं आप लोग को इस प्लेटफॉर्म के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे सकूं। तो गाइस जैसा कि आप लोग हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने angel.co का ऑफिशियल वेब पोर्टल ओपन किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को करना क्या होता है, आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो सिंपल आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे आप लोग साइन अप करोगे, उसके बाद अपने प्रोफाइल को क्रिएट करोगे। प्रोफाइल में आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप पास आउट हो, आपका स्किल्स क्या क्या हैं, अपना रिज्यूमे, सब कुछ यहां पे अपलोड कर दोगे। अगर आप चाहते हो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, उसके बारे में भी मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा। उसके बाद सिंपल आपको जॉब्स पे क्लिक करना होता है। देखा आपने, मैंने जॉब्स पे क्लिक किया और साथ में दोस्तों मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओगे सर्च फॉर जॉब्स, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप लोग जॉब सर्च कर सकते हो। सिंपल आप लोग को जो भी डिजिग्नेशन है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, जो भी फील्ड में आपको जॉब चाहिए सिंपल आपको यहाँ पे लिखना होगा।
इसके साथ साथ यहाँ पे लोकेशन भी आपको डालनी होगी। तो जैसे मैं लोकेशन अगर डाल दूँ, इंडिया अगर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इंडिया डाल दिया, इसके साथ साथ यहाँ पे रिमोट मैं ऑन कर देता हूँ या फिर इंक्लूड रिमोट जॉब्स, जिससे ये होगा कि जितने भी जॉब्स हैं रिमोट हो या फिर ऑन ऑफिस हो, सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे देगा मेरे को। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके साथ साथ कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे मैं अगर फिल्टर में जाऊँ तो आपको फिल्टर में जाना होता है, सैलरी सेलेक्ट कर सकते हो, इक्विटी सेलेक्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट यानी मेरे को पाइथन से रिलेटेड जॉब चाहिए या फिर जावा से रिलेटेड जॉब चाहिए, वो सारा कुछ मुझे सेलेक्ट करना होता है। मार्केट भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक हेल्थ केयर में आपको जॉब चाहिए, ई कॉमर्स में चाहिए, एजुकेशन में चाहिए, मार्केट प्लेसेस में चाहिए, तो वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, फुल टाइम चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या फिर इंटर्नशिप चाहिए, वो भी, और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हो जैसे कि पाइथन आप डाल सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, यहाँ पे इंक्लूडेड कीवर्ड्स हैं, एक्सक्लूडेड कीवर्ड्स हैं, तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। कंपनी साइज, देन रिमोट कल्चर, इमिग्रेशन, ये सारा कुछ आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ये सारे फिल्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इन फिल्टर्स की वजह से आपके जो सर्च हैं, आपके जो जो भी एप्लीकेशन हैं, जो भी जॉब्स ओपनिंग्स हैं, वो डिफर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये दोनों प्रोमोटेड हैं, इसको हम लोग लीव कर देते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो एक लैब्स करके है कंपनी जो कि हायर कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, रिमोट हायर कर रही है ये, तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पे भी इसराइल की कंपनी है, रिमोटली हायर कर रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ और भी नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बेंगलुरु की जो कंपनी है E6 डेटा, ये सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोडक्ट इंजीनियर, सीनियर परफॉर्मेंस एंड रिसर्च इंजीनियर, यहाँ पे दोस्तों सैलरी भी आप लोग के लिए मेंशन की गई होती है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हो कि आप किस हद तक की सैलरी में अप्लाई करना चाहते हो, तो उससे भी आप लोग कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो एवोमा एक पुणे की कंपनी है जो रिमोटली हायर कर रही है 20 to 35 lakh, तो देख सकते हो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सैलरी कम मिलने वाली है या फिर ज्यादा मिलने वाली है, यहाँ पे हर तरीके की जॉब आपको मिलेगी। यानी कि आपको स्टार्टअप्स में जॉब करना है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में जॉब करना है, आपको किस तरह की CDC चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे पुणे की एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे हायरिंग चल रही है स्कीजा में, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जितने भी ओपनिंग्स दोस्तों आप लोग को मिलने वाली है, रिसेंट की मिलने वाली है, जैसे 2 weeks, 1 week, 1 month, 3 days, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यहाँ पे बेंगलुरु में फिर से हायरिंग हो रही है 12.5 से 22 lakh तक की सैलरी, तो देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिसर्च इंजीनियर। इसके साथ साथ आप लोग और भी नीचे स्क्रॉल करके कंपनीज के बारे में देख सकते हो दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही बड़ा फॉर्म फिल करना होता है, अपने बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसानी से जॉब्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। तो जैसे मान लो मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 बैकएंड, मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सेव कर सकता हूँ। अगर मैं इस जॉब प्रोफाइल को सेव करना चाहता हूँ तो सेव कर सकता हूँ, या फिर मुझे सिंपल अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई करने पे क्लिक करने के बाद एक शॉर्ट नोट लिखना होता है आप लोग के लिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बहुत लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना आप लोग, वहां पे आप अपने बारे में लिखो, आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है या फिर जो पढ़ाई कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो, आपने इंटर्नशिप कोई करी हुई है वो कहाँ से करी हुई है, आपने कोई प्रोजेक्ट्स करे हैं वो मेंशन करो, आपका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है, गिटहब प्रोफाइल है, या फिर आप लीड कोड पे, कोर्सऐप पे, कोडफोर्सेस पे कोई भी प्रोफाइल है, जरूर से नोट में शेयर करो। इसके साथ साथ इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स को जरूर से मेंशन करो। ये सारा नोट अगर आप लोग चाहते हो, ये नोट्स क्रिएट करने में मैं आप लोग की हेल्प करूँ, तो वो भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोग के नोट्स क्रिएट करने में, जो कि आपको इवेंचुअली जॉब्स पाने में मदद कर सकती हैं। तो सिंपल आपको नोट्स लिखना होता है और एप्लीकेशन को सेंड कर देना होता है। अगर आप नोट्स को नहीं लिखते हो और एप्लीकेशन सेंड करते हो तो भी आपका एप्लीकेशन चला जाएगा, लेकिन अगर आप लोग नोट्स लिखते हो तो यहाँ पे हायरिंग के सिलेक्शन के चांसेस आप लोग के बढ़ जाते हैं। तो जरूर से नोट्स लिखना, और नोट्स लिखने में मदद चाहिए तो जरूर से मेरे को बताना। तो यार ये थी वीडियो angel.co यानी एंजल लिस्ट के बारे में।
इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो मेरे से तो कमेंट करके पूछ सकते हो, लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।